हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साध्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। इस रीडिंग में क्वेश्चन ये रहेगा कि विल दे कॉन्टैक्ट यू, क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, हाँ या ना। सो एक ही रीडिंग होगी सबके लिए। सो या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जिनके भी साथ आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है राइट नाउ, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें, और आप शायद पहला यू नो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते उनकी तरफ। तो आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। लेट्स फाइंड द आंसर आउट। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे। लेट्स सी, इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम फ्रेम भी जान सकें। कभी कभी तो इट्स वेरी क्लियर और ऑब्वियस हो जाता है कि बहुत जल्द हो जाएगा, विद इन वन वीक टाइम, टू वीक्स टाइम। कभी कभी इट डजेंट शो द टाइम फ्रेम, और उस सिचुएशन में कभी कभी सिचुएशन आपके हाथ में काफ़ी हद तक होती है जहाँ पे आप चीज़ों को जल्द अपनी लाइफ में ला सकते हो यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, अपनी थॉट्स चेंज करके, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करके। कभी कभी आपके लिए शायद स्टेप लेना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो डिफरेंट होगा सबके लिए। बट यस, देखते हैं क्या कार्ड सजेस्ट करते हैं आपके लिए, क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। विल दे कॉन्टैक्ट यू, जिसके साथ भी आप इन लोग कम्युनिकेशन, और आप चाहते हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें। लेट्स फाइंड आउट। सेवन ऑफ सोर्स ज़रूर करेंगे। जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। एक यू टर्न उनकी तरफ से ज़रूर है आपकी तरफ। जैसे ही उनको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे ही उनको क्लैरिटी आएगी, जैसे ही उनको मे बी यू नो एंजल से गाइडेंस मिलेगी, यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगी, जैसे ही उनकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी आना शुरू होगी, शायद आपको ऑलरेडी आ रही हो सकता है उनको भी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है सिंक्रोनिसिटी फील होना शुरू हो जाए चीज़ों में, जो कि हर चीज़ उनको आपकी तरफ खींच जाएगी, या हर चीज़ जैसे शायद वो आपका नाम सुनना शुरू कर दें, जैसे शायद आपके साथ भी हो रहा हो कि आप उनका नाम सुनते हो। उनकी जो गाड़ी है, शायद आप रोड पे जब जाते हो तो आपको उस तरह की गाड़ी दिखने को मिलती है। हो सकता है कि आप वो सॉन्ग ज़्यादा सुन रहे हो आजकल, यू नो नॉट पर्पसली, लेकिन आप रेडियो ऑन करते हो, टीवी ऑन करते हो, तो आपको वो सॉन्ग सुनने को मिलता है जिससे कहीं ना कहीं आपको उस इंसान की याद ज़्यादा आती है। तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। येस, लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। बिग येस, कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, और हो सकता है कि उनका कॉन्टैक्ट करना आपकी लाइफ में एक तरह से एक तो मिरेकल होगा, दूसरा कुछ अच्छा वो डेफिनेटली लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, आपसे बात करके, कॉन्टैक्ट करके। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। वाओ, पॉजिटिव चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड वंस, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, बट आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ मेजर शिफ्ट आने वाला है, मेजर मेजर मेजर। आपकी जो भी विश है इस इंसान को लेके, आई वुड सजेस्ट यू कि अभी से ऑनवर्ड्स आप उस विश के बारे में सोचो। आप चाहते हो कि ये इंसान वापस आए, और क्या ऑफर करे आपको वापस आकर, उसके बारे में सोचा करो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना सोचो, डे ड्रीम करो, और फील करो कि अगर वो वापस आ जाते और अगर आपसे बात करते तो आप क्या कहते उनको, क्या चीज़ें होती जो आप चाहते हो कि वो आपसे शेयर करें, क्या आप चाहते हो कि वो आपसे एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, या आप चाहते हो कि वो आपसे कहें कि उन्होंने आपको कितना मिस किया, और क्या चीज़ उनको बिजी रखे हुए थी, क्या चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से वो आपको रीच आउट नहीं कर सके पहले, और क्या चीज़ें थी जो उनको रियलाइज़ हुई इस टाइम फ्रेम के अंदर। जो भी आप चाहते हो कि वो इंसान जब आपको कॉन्टैक्ट करे, जब आपसे बात करे, तो वट आर द थिंग्स कि आप उससे डिज़ायर करते हो, तो स्टार्ट फीलिंग दैट कि जैसे वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपके पास उस इंसान की कोई भी चैट पड़ी है, कोई भी ईमेल्स पड़ी हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस ईमेल्स को, उन चैट्स को दोबारा पढ़ना शुरू करो। क्या होगा उससे, जब आप उन चैट्स को पढ़ोगे, जब आप उन ईमेल्स को पढ़ोगे, व्हाट यू गोना बी डूइंग इज़ कि आप उस वाइब में होगे जहाँ पे आप दोनों कॉन्टैक्ट कर रहे थे। आप उस वाइब में उसका कमेंट पढ़ोगे, उसका रिप्लाई पढ़ोगे, अपनी चैट पढ़ोगे, उसका मैसेज पढ़ोगे, अपना मैसेज पढ़ोगे, तो आप बेसिकली एक तरह से मेंटली आप उस कन्वर्सेशन में दोबारा से होगे। जब आप उस कन्वर्सेशन में हो, दैट मीन्स कि आपकी वाइब ऐसी ही होगी। आप विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, जैसे आप यू नो उसने आपको ये कहा, आपके माइंड में शायद उस इंसान की पिक्चर आएगी, या विजुअल आएगा कि वो आपसे इस तरह से बात कर रही थी। जैसे जैसे आप वो चैट और पढ़ोगे, कम्युनिकेशन और देखोगे उसकी, और आपकी जो हुई हुई है उससे, आप रिसेप्टिव उसमें आ जाओगे, जहाँ आप जो चाह रहे हो उस इंसान से वो आपको जल्द मिलेगा। ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल रहती है, स्पेशली अगर आपकी रिसेंटली बातचीत ख़त्म हुई है। अगर और इस तरह की टेक्निक्स यूजली ज़्यादा वर्क करती हैं जब आपके चैट्स हों, एज इन के कंपैरेटिवली ईमेल से ज़्यादा चैट्स अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट देती हैं। तो आप वो कर सकते हो कि आप
जब उसकी पुरानी चैट्स पढ़ते हो उसके साथ आप यू नो जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो, जब लास्ट चैट का जो आपने मैसेज देख लिया, अगर अच्छा है तो देखो वरना नहीं देखो, इमेजिन करो एज इफ कि अभी उसने आपको मैसेज किया और आप उसको रिप्लाई कर रहे हो. मेंटल एक कन्वर्सेशन रखो उससे जहाँ पे आप खुश हो रहे हो, और कुछ भी ऐसा नहीं आपने लिखा ना जहाँ पे आप अपनी ईगो को बूस्ट कर रहे हो या उसकी ईगो को बूस्ट कर रहे हो. हर वो चीज़ जैसे आप यू नो इफ़ यू वर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, अगर आप उस इंसान के साथ खुशी खुशी वाले रिलेशनशिप में होते जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होता, तो आप क्या बातचीत कर रहे होते अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ओवरऑल लाइक यू नो जो भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, लव लाइफ में, या आपने जैसे उसको मिस किया, उसने आपको जैसे मिस किया, क्या चीज़ें हैं, क्या कन्वर्सेशन है जो आप उससे करना चाहोगे एज यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अगैन, उसके बारे में बातचीत करो. जब आप उसके बारे में ज़्यादा बातचीत यू नो मेंटल एक कन्वर्सेशन करना शुरू करोगे, कम्युनिकेशन और जल्दी आएगी. सो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे. लेकिन अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हो तो ट्रस्ट मी, अगर उन्हें एक हफ्ते बाद कॉन्टैक्ट करना होगा तो वो शायद दो दिन में आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे. अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, उसके नीचे है द मून और उसके नीचे है द टू ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी अभी सोच रहा हो कि वो आपसे आपको कम्युनिकेट करे, आपसे बातचीत करे. हो सकता है कि जैसे आपका दिल उसके उससे बात करने का कर रहा है, उसका भी कर रहा है, सम हाउ वो अभी तक उन्होंने आपको रीच आउट नहीं किया. लेकिन आपने ये मानना है, ये सोचना है कि वो इंसान एज दीज कार्ड सजेस्ट कि वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें. सम हाउ वो थोड़ा यू नो एक इनडिसाइसिव मोड में है राइट नाउ, लेकिन कंसिडर कर रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करें. सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आएगी और मुझे लगता है कि जल्द आएगी. अगेन अगर आप ये टूल यूज़ करते हो जो मैंने शेयर किया, तो कम्युनिकेशन फास्ट आएगी, बहुत जल्दी आएगी, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ अच्छा और पॉजिटिव लेकर आएगी. सो आपका पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, लेट्स टेक सम कार्ड्स, देखते हैं वो उनका क्या मैसेज है फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए, वो क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं. क्योंकि ये जनरल रीड है तो एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, हो सकता है आपका मैसेज उनके लिए हो कुछ तो वो भी हो सकता है. लेट्स टेक टू कार्ड्स. शॉर्ट टेम्पर्ड एंड अग्रेसिव, हो सकता है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो और हो सकता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो और अग्रेसिव हो. हो सकता है ये उनका नेचर है या आपका भी नेचर हो सकता है. देन आवर लव इज़ म्यूचुअल, आवर फीलिंग्स आर म्यूचुअल. वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा प्यार, हमारी फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल हैं. जैसा मैंने कहा, जैसा आप चाह रहे हो ना कि कम्युनिकेशन हो, वो इंसान आपको रीच आउट करे, आई एम श्योर कि वो इन कार्ड्स के कम यू नो दीज कार्ड सजेस्ट कि येस दैट पर्सन इज़ एग्जैक्टली वेयर यू आर इस कम्युनिकेशन को लेकर, इस बातचीत को लेकर. जहाँ पे आप हो वहाँ पे वो भी हैं. सो मेक श्योर कि आप अब से ऑनवर्ड्स आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव यू नो अट्रैक्ट करो. हाउ डू यू डू दैट, एज इफ जैसे मैंने कहा ना, अगर जिन लोगों के पास तो पुरानी चैट पड़ी हुई है, ट्रस्ट मी मैजिक आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो उस चैट को री रीड करके और उस वाइब में आकर जहाँ पे आप अच्छा फील करते थे जब आप उनसे बात करते थे. सो मेक श्योर कि आप वो करो. उसके अलावा न्यू मेंटल कन्वर्सेशन करो. अगर आप फ़ोन के ऊपर नहीं कर सकते तो यू कैन टेक पेपर एंड अ पेन और उसमें यू नो उसका नाम लिखो और उसकी तरफ से मैसेज लिखो, अपना नाम लिखो, अपनी तरफ से मैसेज लिखो. उस तरह से भी आप कर सकते हो. वट एवर यू नो सूट्स यू, वट एवर सेटिस्फाइज यू, वट एवर मेक्स यू फील लाइक कि हाँ ये परफेक्ट है. और अगर आपकी बात होती तो ऐसे होते, इसलिए मैं फ़ोन रिकमेंड करूँगी क्योंकि फ़ोन के ऊपर ही आपकी बात होगी तो दैट वुड बी बेटर. लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है या उसमें आप फील नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा से, तो मे बी आप उसको यू नो टेक्स्ट राइट डाउन भी कर सकते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर एज वेल. और सो या मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों की. बट येस, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड मिरेकल्स आर अबाउट टू हैपन इन योर लव लाइफ विद योर स्पेसिफिक समवन. क्योंकि आपका और उनकी फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल हैं. सो या ये थी रीडिंग. ओरेकल कार्ड्स अगर हम लेना चाहें तो लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स अराउंड इट, देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए. इन केस अगर आपको थोड़ी ओरेकल गाइडेंस चाहिए उसके लिए, लेट्स फाइंड आउट. चलो ये कार्ड देखते हैं. इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर एज वेल एज योर सेल्फ. आप जो भी कन्वर्सेट करोगे वो एक तरह से आपके पास मैजिकल पावर होगी और यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज और उस कनेक्शन के एडवांटेज के लिए भी. सो मेक श्योर जब आप ये कन्वर्सेशन करो तो थिंक पॉजिटिव फॉर दैट पर्सन और अपने लिए भी और इस कनेक्शन के लिए भी. इसके अलावा एक इस वाले में से देख लेते हैं. ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन. अगेन सेम मैसेज, विजुलाइज, डे ड्रीम, कन्वर्सेट, हैव मेंटल कन्वर्सेशन विद योर पर्सन. माइंड में उससे वो चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में बात करो जिनसे जो आप करना चाहते हो. सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन जल्दी आएगी.
रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस बाई रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में जो है जो गैप बना है या जो इशू बना है कनेक्शन के अंदर, हो सकता है कि वो रिलीजन एक रीज़न हो जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन फिलहाल जो है वो स्टॉप्ड है. अगर ऐसा कुछ है तो अपने माइंड में हमेशा विजुलाइज करो कि जैसे आप दोनों के दरमियान में जो एक ब्लॉक है रिलीजन का, वो अब नहीं रहा. और एज इफ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, आपकी फैमिली भी एग्री करिए, उनकी फैमिली भी एग्री करिए, तो माइंड में एक विजुअल रखो कि जैसे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. जितना ज़्यादा आप उस माइंड उस विजुअल को आप यू नो बार बार अपने माइंड में प्ले करोगे और साथ में कन्वर्सेशन इस तरह से करोगे एज इफ एवरी इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कल्चरल बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट हो. अगर ऐसा भी कुछ है तो मेक श्योर कि उसके बारे में भी आप सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हो. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस सिचुएशन. सो या, ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.